चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जेब पे को ओपन करते हैं और इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरह से जेब पे में हम डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिपॉजिट बटन पे क्लिक किया, इसके बाद में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इंस्टेंट डिपॉजिट का है जिसमें NEFT, RTGS और IMPS, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। दूसरा है UPI का, जिसको डिपॉजिट होने में आपके अमाउंट 15 मिनट लगेगी आपके वॉलेट में आने में पैसे, और उसमें भी फीस नहीं लगती है। थर्ड नंबर है नेट बैंकिंग का, जिसमें हमें फीस देनी पड़ती है 1.77। तो इस वीडियो में हम UPI के थ्रू किस तरह से डिपॉजिट करते हैं जेब पे वॉलेट में पैसे, वो देखते हैं, ताकि पैसे ऐड करने के बाद में हम उसमें बिटकॉइन वगैरह हम बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। UPI ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने UPI बटन पर क्लिक किया, ये नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है। इसमें आपके पास अवेलेबल, अभी मेरे पास 100 रुपीज़ ही है, तो मुझे 5,000 रुपये ऐड करने हैं। तो मैं 5,000 रुपये यहाँ पे मैंने डाले। फिर इसके बाद में गो कैश फ्री बटन पे क्लिक किया और इसके बाद में प्रोसीड टू डिपॉजिट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पैसे हैं वो आपके जो जेब पे में जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसी से आपको पेमेंट करना है। डोंट डिपॉजिट फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। इसमें साफ लिखो आप 500 रुपये का फाइन लगेगा अदरवाइज, और 3 दिन तक आप पैसे टिकेंगे, 3 दिन लग जाएंगे 500 रुपये काट के वो आपके खाते में रिटर्न करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जेब पे के अंदर जो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, जो आपने ऐड कर रखा है, उसी से पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीड टू डिपॉजिट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे UPI के ऑप्शंस मिल गए हैं। तो यहाँ पे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, भीम है और अमेज़न पे है। आप किसी से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य फिर बात यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आपको नंबर, से मैं फ़ोनपे से कर रहा हूँ, और बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है @ इस बैंक में मेरे लिए फ़ोनपे का है। तो अब आपको ये देखना है कि जो ये जो नंबर है ये आपका उसी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है जिसमें जो इसमें रजिस्टर्ड है। तो मेरा तो जेब पे में मोबाइल नंबर दूसरा है और मेरा जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है उसमें दूसरा है। तो मैं यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट इसने तो जो लिया है उसको मैं हटा दूँगा यहाँ से, और इसके अंदर मैं मेरे फ़ोन पे का जो नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरा अकाउंट जो भी है ये नंबर @ यस बैंक का है YBL ये। तो मैंने ये नंबर चेंज इसलिए किया है कि ताकि जो पैसे जो डिडक्ट हो, जो पेमेंट हो मेरा, वो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही हो। तो मेरे पास दो अलग अलग अकाउंट है, तो मुझे जो जेब पे में मेरा जो यस एक्सिस बैंक का जो है अटैच है उसे पेमेंट करना है। तो मैं इस पे वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये बोल रहा है कि आपको 5 मिनट का आपके पास टोटल समय है, आप अपने फ़ोन पे में जाइए और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, और उसके 15 मिनट में आपके पास जी पे में आपके फंड आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब जैसे मेरे फ़ोन पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये 5,000 की रिक्वेस्ट आ गई है कैश फ्री, तो मुझे पे करना है। और ये यहाँ पे जो आपका अकाउंट दिखाई देगा जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है, तो मेरा जेब पे में यही है, तो इसी से पैसा कटने चाहिए। तो चलिए मैं सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पेमेंट मैंने कर दिया है, पेमेंट भी हो गया है।
देख लीजिए, और पेमेंट होने के बाद में डन कर दिया, और यहाँ से अपन वापस जीपे के अंदर चले जाते हैं। हमारा पेमेंट हो गया है, ऊपर मैसेज भी आ गया है कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव योर पेमेंट रिक्वेस्ट। पेमेंट रिक्वेस्ट में इनको मिल गई है। 15 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारा फंड यहाँ पे 100 रुपये दूसरे कर रहा है, हमारे 5,100 रुपये शो करने लग जाएगा। चलिए वेट कर लेते हैं, तब तक हमारा पेमेंट नहीं आता तब तक हम वेट कर लेते हैं। इस तरह से काफ़ी आसान कर दिया है जिससे ने डिपॉजिट करना, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि जो पेमेंट जो होनी है वो आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही होनी है, मेथड कोई भी हो। ठीक है, चलिए वेट कर। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा पैसा डिपॉजिट हो चुका है, और ये विद इन 10 मिनट से ये फंड आ गया है। तो पहले यहाँ पे 100 रुपये थे, अभी 5,100 रुपये जैसे हुआ हो रहे हैं। हिस्ट्री में देख लेते ताकि, ये देखिए 1 मिनट पहले डिपॉजिट हो चुके हैं, ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, डिपॉजिट पे क्लिक किया और इस तरह से ये कंप्लीट दिखा रहा है 22,000 को, और इस तरह से विद इन 15 मिनट्स ये फंड आपके यहाँ डिपॉजिट हो चुका है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 6:22 पे मैंने ये डिपॉजिट किए हैं। तो देखिए आप रात के 12 से 5 के बीच में छोड़ के आप कभी भी पेमेंट करोगे तो आपका इंस्टेंट ही 15 मिनट के अंदर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फंड ऐड कर लिया है। अब अगर हमें बिटकॉइन बाय करने हैं या ऑर्डर प्लेस करना है तो हम बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फंड दिखा रहा है, बाय के ऊपर देख लेना है कि आप 5,100 रुपये दिखा रहे हैं, ये हमारे पास फंड है। तो हमें जैसे बिटकॉइन बाय करना है तो यहाँ बाय मैक्स किया तो ये 55,087 रुपये का मैं खरीद सकता हूँ। और यहाँ पे प्राइस सेट करनी हो तो जैसे मुझे अगर ये बिटकॉइन लेने हैं 11,000 की रेट पे, तो मैं यहाँ पे 11,000 11 लाख की रेट पे, तो यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा बिड लग चुका है। अभी जैसे ही रेट 11 लाख अगर आती है तो ये हमारे बिटकॉइन बाय हो जाएंगे, अगर नहीं आए जब तक नहीं आती है तब तक ये लगा रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमने डिपॉजिट किया है और बाय ऑर्डर प्लेस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने काफ़ी समय बाद वीडियो बनाया है तो सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।